झारखंड में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, प्रचार भी तेज हो गया है। गुरुवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट से अपना नामांकन दाखिल किया। हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने भी गांडीय विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। हेमंत सोरेन ने पर्चा दाखिल करने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर इसकी जानकारी दी, साथ ही नामांकन की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अमरवीर शहीद सिंधो कान्हू फूलो झानो चांद भैरो की क्रांतिकारी भूमि बरहेट विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल करने का परम सौभाग्य मिला। वीर शहीदों और महान क्रांतिकारियों के सपनों का झारखंड में बनाना है। आप और हम सब मिलकर झारखंड रूपी पेड़ की जड़ों को सींचकर इसे विराट बनाएंगे। झारखंड विरोधियों और षड्यंत्रकारियों के सामने न मैं कभी झुका हूँ, न झारखंड को कभी झुकने दूंगा। जय झारखंड, जीतेगा झारखंड। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के साथ वो नामांकन करने पहुंची। कल्पना का मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से है। वहीं सोशल मीडिया पर नामांकन की जानकारी देते हुए कल्पना सोरेन ने भी लिखा कि गांडीय विधानसभा के अपने लोगों की सेवा करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार के रूप में मैंने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। गांडीय विधानसभा की जनता का स्नेह, आदरणीय बाबा दिशोम गुरु जी और माँ का आशीर्वाद तथा हेमंत जी का साथ ही मेरा हौसला है, मेरी ताकत है, मेरा विश्वास है। जीतेगा गांडीय, जीतेगा झारखंड, एक ही नारा हेमंत द्वारा। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। यहां पर महुआ माझी का मुकाबला सीपी सिंह से है। फिलहाल के बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।